थैंक यू सो के बड़े बड़े यूट्यूबर ने हमें दिलवा दिए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आई एम गोपाल एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे कॉज आई जस्ट लव व्लॉगिंग। और ये व्लॉगिंग के उसमें हमें एक महंगी चीज खरीदनी है, दैट इज माय लैपटॉप। फाइनली मेरे कान में से खून आ जाता है, अकेले सुन के जानवी मेरा लैपटॉप नहीं छोड़ो। मैंने बहुत टाइम मेरा लैपटॉप चला लिया और वो बेचारे की अब लेजिट टर्म्स में मौत आ चुकी है। सो आई वॉन्ट कि मेरी मम्मी मुझे लैपटॉप गिफ्ट करे, तो मैं उनसे जबरदस्ती का गिफ्ट ले रही हूँ लैपटॉप। तो आई ऑल्सो वॉन्ट अ गिफ्ट फ्रॉम यू गाइज, लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। अभी ना पहले हम लोगों को बैंक जाना है, उसके बाद जानवी मैडम ने जारा की सेल में से कुछ कपड़े लिए थे जो जानवी को सही नहीं लग रहे, तो फिर वो रिटर्न करने जाना है और उसके बाद हमें लैपटॉप लेने जाना है। और मेन पंगा ये कि मैं ना टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी हूँ डम थोड़ी तो मुझे ना बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती है, तो समझ नहीं आता है। तो मुझे मतलब यू नो वो मैकबुक समझने में भी टाइम लगे। मैंने एक वीडियो में ना मुझे वो सबटाइटल लिखने को देना जो तू करती है ना, बहुत मजा आएगी। मैं तेरे को इतना गंदा रोस्ट करूंगी। काम करते ना, एक रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं, यू रोस्ट मी आई विल रोस्ट यू। गाइस डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, शुड वी रोस्ट ईच अदर। देख मजाक मजाक में तो ठीक है, फिर सीरियस हो गया तो पंगे हो जाएंगे, हम आपस में डिस्ट्रैक्ट निकाल लेंगे। तू मेरे को अपनी क्लोजेट पे नहीं आने देगी, मैं तुझे चार्जर नहीं लेने आने दूंगी। ओ इट विल बी फन। आई नो इट इज एन इन्वेस्टमेंट मतलब मेरे चैनल के लिए, बट आई एम टू गिल्टी टू गेट दिस। ऐसा लग रहा है मैं अपने ऊपर कुछ पर्सनल खर्चा कर रही हूँ। इट इज टू बियर्ड एंड भूरी बेटी अभी तक तैयार ही नहीं हुई है, आपको पता मैं तो तैयार हो चुकी हूँ। और आई एम ऑल्सो हैविंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ, दिस इज गार्लिक सेव, टू यमी टू स्पाइसी। ऐसा लग रहा है मम्मी का सिंदूर लगा लिया है गालों पे। ऐसे कौन करता है? अच्छा ऐसे नहीं करते क्या? देख लो कितनी जला से। तू है मेरी फैंटेसी, छुनाना 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 मेरे को। इतनी भी अच्छी परफ्यूम है, सारी हमें यूट्यूबर्स ने गिफ्ट किया है। इस समय बर्थडे पे लोगों ने इतनी सारी, तो हम लोगों को परफ्यूम में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, जो अच्छी ये वाली मृदुल ने दी है, ये दैट क्वर्की मिस ने दी है, सो थैंक यू। वी वर नॉट इनटू परफ्यूम्स बट यू थैंक यू सो के बड़े बड़े यूट्यूबर ने हमें दिलवा दिए, बट लाइक नाइस परफ्यूम्स, थैंक यू सो मच, कीप सेंडिंग इन। ये तो बहुत ही बुरा, ये भी तो कितना खट 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 पाट 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 चैट 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 मट 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 नट 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 करते रहते। देख तू, आई एम ऑलरेडी एकदम मस्त गुड गुड गर्ल बन गई हूँ और एकदम मस्त सुंदर सुंदर भी बन गई हूँ। और अभी हम चलते हैं। मैंने पता है पहले मैं अगर मेरे पुराने ब्लॉग्स देख रही थी आज सुबह, तो मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती थी। अब मैंने थोड़ा बहुत मेकअप करना, मेकअप मतलब टिंट टुंट लगा लेती हूँ मैं, एंड अच्छा लगता है ऐसे ग्लोई ग्लोई लालम लाली मैं लग रही होती हूँ, एंड इट इज नाइस। एंड नाउ आई एम हंग्री, लेट्स गो। हम माता जी को लेके चल रहे हैं, माता जी को मैं चाहती हूँ कि मम्मी मुझे लैपटॉप गिफ्ट करे। हमने बताया ये घर में ना ये ऐसी खिड़की सी बनवाई है ताकि हमारे ऊपर लाइट आए जब हम कुकिंग कर रहे हैं और हम कुक विद गोपाली बहुत अच्छे से फिल्म कर सकें। वैसे तो मुझे लंच करना है पर मेरा मन नहीं कर रहा है लंच करने का, बिकॉज वो नया फोन और नया लैपटॉप और वो लेने से पहले, कैसे बच्चों को पिकनिक जाने से पहले, एनुअल फंक्शन से पहले जैसा पेट पे हो रहा होता है ना, मुझे वैसा ही हो रहा है। हेलो गाइस, बैंक का काम खत्म हो चुका है, अभी हमें जाना है जारा। बैंक के कामों में कोई मेरे साथ नहीं आता, मैं अकेली बोरिंग वाले काम करूंगी। रिटर्न तो एक बहाना है, हम तो आए हैं लुच्ची, हमें एक्चुअली काफी सारे कपड़े रिटर्न करने हैं, पर मैडम जी पहले आते ही लग गए हैं, मैं भी लग गई हूँ, मम्मी जी अपने लिए कुछ देख रही है। इस सेल के नाम पे मजाक हो रहा है, सूटर तो अच्छा लग रहा है, अभी तो ऐसे मेरी दादी बनाती है, मतलब ओ माय गॉड हाउ क्रिएटिव इज दिस, दिस इज टू क्रिएटिव। टी के अंदर फंसा दिया शर्ट, वाओ फैशन का है ये जलवा। अच्छा गाइस सी हाउ कूल आई एम लुकिंग टुडे, देख रहा हूँ। ये बताइए तू ऐसे कटोरी में रखी हुई थी पर बिखर गई है दाल, वैसी लग रही है वो। ये सब्जी लेने वाला झोला, ओ माय गॉड 3000 रुपए का झोला, इतना सस्ता मैं क्या करेगा भगवान जी, थोड़ा महंगा होता तो मैं खरीदती, टू चीप। क्या बोल रही है जानवी? कितना कूल लग रहा है, ओ माय गॉड।
इसको क्या हो गया, ये पॉकेट बनाना चाहते थे और पॉकेट में छेद ही बना दी। पता ही मुझे लगता है बंदे ने पॉकेट काटने के लिए बनाया पर पॉकेट लगाना भूल गया। मम्मी यहाँ पे अच्छी लगी यार, सेंटा क्लॉज लगोगे इसमें। हाँ मम्मी पतले हो गए, मम्मी को ना अब पहले एक्सेल आता था फिर एल आता था अब एम आता है, जबकि मम्मी ने कुछ नहीं किया बस बहुत सारा काम किया है, शिफ्टिंग की है। पता है ये रुमाल से मैं 2 मिनट में बना दूँ। हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो हम लोग रुमाल से बहुत सारी चीजें बनाते थे, दिस इज वन ऑफ देम। गाइस ये 1190 में मिलने लगी, मैंने इसको फुल पैसे देके खरीदा, तो इतना दुख होता है मुझे, ये बिल्कुल गलत हुआ मेरे साथ, रॉन्ग। पता है वो पुछ वाली पेन आती थी ना, उसके अंदर की स्प्रिंग निकाल के हील में डाल दी इन लोगों ने। कैसे पानी जाएगी? आपकी बेटी खरीदने की बातें कर रही थी, उसको महंगी लगी इसीलिए नहीं खरीदी उसने। हेलो गाइस, हमारी शॉपिंग खत्म हो चुकी है। मेजरली जो हमें थोड़ी बहुत चीजें एक्सचेंज करनी थी और जानवी को वीडियो के लिए एक दो चीजें लेनी थी वो हमने कर लिया है। हाँ जी अब हम जा रहे हैं मेरा लैपटॉप लेने। मम्मी लैपटॉप आप दिलवा रहे हो मुझे, क्या ही कर सकते हैं मतलब तुम हो ना ऐसे ही काम करवाते हैं। पता है मेरी मम्मी ने कल मुझे इतनी ज्यादा डांट लगाई कि इतने पैसे खर्च कर लेती है, ये कर लेती है, वो कर लेती है, इतना अकल नहीं है, ऐसी अकल नहीं है, वैसी अकल नहीं है। पता है लोग ना फिनांस मीटिंग वगैरह रखते हैं ना, टीम को बिठा के फिनांस मैनेजर वगैरह रखते हैं, बिलीव मी यू नीड नथिंग, यू जस्ट नीड योर मॉम। वो तुम्हारी जितने खर्चे हो रहे होंगे ना तुम्हारे बिजनेस में से सब माइनस करवा सकती है एक डाट लगवा के। ये लैपटॉप लेने के लिए मुझे यहाँ से इजाजत लेनी पड़ी है, दिस इज द फाइनेंस टीम। टू एक्साइटेड, यस। गाइस हमने पारी को पिक कर लिया है क्योंकि हमें टेक्निकल चीजों में ये भाई साहब हेल्प करेंगे। तू चला, मैं पीछे जा रही हूँ। अगले हैलोवीन के प्रॉप में मैं इसे लेके जाऊंगी। She's so scary bro. तो देख कितनी सिमिलर लग रही है उसके साथ, है ना? चलो जाओ बाय। भैया को बोलना तेरे मैकबुक के साथ एक एप्पल वॉच और एक एयरपॉड प्रो फ्री में दे दो मेरे। भैया 76 फ्री में देंगे तुझे। पारी का आइडिया हम डांस करके दिखाएंगे 5-6 लोग मिलके। नाना पाटेकर की तरह हम 24 घंटे लेजिट डांस करेंगे। वी विल डांस फॉर 24 आवर्स लेजिट एंड देन वी विल गेट अ मैकबुक प्रो। गाइस पता है लोग इतनी टेक्निकल चीजें इतनी सारी बातें बोलते हैं ना, मेरे तो सारे बाउंस ही जा रहा होता है। मम्मी चले गए, मम्मी का फोन आ गया है, सो दिमाग लगा, मैंने सारे डिस्काउंट्स लगवाए। बहती गंगा में हाथ धोए गए हैं, कहती बिल पे जब गोपाली तिवारी लिखा होता है फील गुड। मेरे को तो समझ ही नहीं आता इतना सारा पैसा देते हैं। This is 16 GB. What is 16 GB? 16 GB RAM. RAM. One GB. दीदी अरे ये तो मोटा भी है तेरे वाले से। चल खोल, ये मेरे बैग में है। थैंक यू, बस मेरी वो बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी। एम्बैरेस्ड आई एम, तो भाई मेरा ज्यादा सेक्सी है। बटर पेपर लगा के दियो, कैसा लग रहा है? अल्ट्रा रिच। अभी मेरे को प्रिपेयर रहना है, हर 5 मिनट में बुलाएगी, जानवी इसमें कॉपी कैसे होता है, पेस्ट कैसे होता है? वी गॉट इट, यस वी गॉट इट, ओ माय गॉड इट्स टू हैवी। लेट दीदी गारंटी हो रही है। Guys, I am back home और मैं घर आते ही किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे चाय बनानी है। हमने कोई कॉफी कुछ नहीं पिया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, तो हम फटाफट चाय बना लेते हैं और समोसे मंगवा लेते हैं और चाय और समोसे खा लेते हैं, नए लैपटॉप की पॉची कर लेते हैं। गाइज मुझे ये दो बेवकूफ लोग इस जैसी स्मार्ट लड़की को ये बेसिक सा मैकबुक चलाना सिखा रहे हैं। हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते। मतलब ये थोड़ा अलग है, नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट जैसा नहीं चलता। चाय मैंने नहीं बनाई थी, मुझे बनी बनाई मिल गई थी क्योंकि मैं और दूसरे कामों में उलझ गई थी। नए घर में थोड़े थोड़े छोटे छोटे पेंडिंग काम चल रहे हैं। वीडियो बन रही है तो यहाँ जैसे मैं और जानवी लड़ाई करते वैसे ये तो भाई बहन लड़ाई करते हुए, ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी और मामा। हाँ वही मेरी मम्मी और मामा लड़ाई करते हुए। ये देखो भाई ने बहन को मारी, दिस इज गोपाली आ लग गई। देख लो मामा, दिखा दो एक, तुम्हें मैं कैसे दिखा दूं? मामा ने बोला अभी हम नहीं है क्या चम्मच से? ये क्या
गई, फ्रेंडशिप हो गई, ओके। आज आज मामी मामा और नानी का यहाँ पे लास्ट डे, वो लोग कल चले जाएंगे सब लोग, तो वी गोइंग टू मिस देम। तो मैं इसी खुशी में अपने लिए स्ट्रॉबेरी नटेला बना रही हूँ, इसकी खुशी नहीं इसके दुख में मैं अपने लिए स्ट्रॉबेरी नटेला बना हमने स्ट्रॉबेरी बहुत सारी ले ली थी, अब वो हल्के किसी सॉरी, ओह माय गॉड देखो कितना रिच फ्रेम लग रहा है, ओके सॉरी गाइस, मैं आ गई ना फ्रेम में, सही बोल रही है। बाय चांस भी अगर लग जाता ना मुझे, तो ना आज बहुत किया है मम्मी, हाथ में चक्कू मार दी। अब पता है मैं जो बोलती हूँ ना, मेरी जेठालाल वाली जिंदगी वो लेजिट टर्म्स में है। अब पता है मेरा ये नया फोन है और यह चल ही नहीं रहा, ये देखो स्वाइप ही नहीं हो रहा है, ना स्विच ऑफ हो रहा है, ना चल रहा है, टच ही काम नहीं कर रहा है इसका, जबकि ना गिरा है ना कुछ हुआ है, आराम से चल रहा था, चलते चलते लॉक हो गया। थैंक गॉड ये तब लॉक हुआ जब मेरे एग्जाम्स का आईडी पासवर्ड आ गया, और अगर ये नहीं होता अभी ना, मेरा फोन चल ही नहीं रहा, इसको मैं जेठालाल वाली जिंदगी ना बोलूं तो क्या बोलूं आप बताओ। मेरा अभी तक लैपटॉप नहीं चल रहा था, नया लैपटॉप खरीदा, अब फोन मेरा आज कीड़े कर रहा है। हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ हमारे बूढ़ी बेटी के कमरे में, और मैंने ना मेरे नए एकदम मस्त लैपटॉप के अच्छे से पैक पुक करके अंदर ड्रॉवर में रख के आ गई हूँ। मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं कर पाई थी, वहाँ पे सब सो रहे थे, तो मैंने बत्ती नहीं चलाई, बट मैं आपको दिखाना चाहूंगी आपकी प्रिय भूरी बेटी। जरा बहुत गंदा जुखाम हो रखा है, और ये क्यों हुआ है? कल मेरा है एग्जाम। जानवी जब इतनी सी नर्सरी में पढ़ती थी तब से ये इसका रिचुअल चला आ रहा है, इसकी जो एग्जाम हुई नहीं कि ये बीमार पड़ी नहीं। पता है मतलब जो जानवी के और मेरे वो थे ना, वो बच्चों के डॉक्टर को क्या बोलते पेडियाट्रिशियन, वो हम लोग जैसे ही पहुंचते थे ना, वो जानवी को देख के बोलते थे इसकी एग्जाम है क्या कल, वो हमेशा यही बोलते थे। सो भूरी बेटी इज सिक ड्यू टू एग्जाम्स, यस ड्यू टू एग्जाम्स, यस। बहुत फैंसी सा मिडनाइट स्नैक खाते हुए स्ट्रॉबेरी एंड नटेला, ओह माय गॉड, और मुझे नहीं ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पर ठीक है आज मेरे नए लैपटॉप की खुशी है। एंड ऑल्सो बाय द वे गाइस, मान जानवी ने फ़ोन स्विच ऑफ किया था और फिर ये चलने भी लग गया है, क्योंकि लड़की कोई बीमार नहीं है, बस खाली ढोंग किए जा रही है। खास दिया, हाँ, दिया। इससे पहले क्या कर रही थी? एक बीमार औरत का मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरी हंसी से पता चल रहा होगा कि कितना तू बीमार हो, नहीं इससे अभी इतने गंदे गाने गा रही थी। ये सब झूठ है, आपको लगता है इस बैठे हुए गले से आवाज भी निकल रही होगी? इस बैठे हुए गले ने फेफड़ा जो बजाया है, हमारा दिमाग खराब हुआ है। जानवी नहीं, तुझे कल एग्जाम देनी ही पड़ेगी, चाहे तू कितना भी ढोंग कर ले बहन, तुझे एग्जाम देनी ही पड़ेगी। जो जो सोचते है ना कि एग्जाम नहीं देनी चाहिए, पहला पेपर दे दो वही सही रहता है, दूसरा तो बहुत डिफिकल्ट आता है। ये कैसी बात है, ये क्या बोल रही है? रीटेस्ट, हाँ रीटेस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, मर के दो, लेकिन पहला टेस्ट दूसरों को क्या बता रही, तुझे देना है कल पेपर। हाँ, तो मैं तो दूंगी। जितनी तूने एक्टिंग की है ना आज मम्मी के सामने, मैं बीमार हूँ कि मम्मी अगर मेरे मार्क्स ना आए तो आप समझ जाना कि क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि मैं बीमार हूँ। मम्मी ने ऑलरेडी गिव अप कर। गुड मॉर्निंग, इट इज द नेक्स्ट डे एंड मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके आ गई हूँ। अभी ना मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग का काम है, तो एक ही मिनट, यस मैंने बैठा ना, मैंने अपना प्रियो मैकबुक पैक करके रख दिया था, और अभी मुझे थोड़ा बहुत इसको ऐसे मैं खुद लेके बैठती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ। मैंने इसमें अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह तो डाल दिया है। हेलो गाइस, आई एम राइट नाउ हियर एट एन एग्जीबिशन, और मैं यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे क्रॉकरी मिलती है, सस्ती क्रॉकरी मिलती है और सुंदर क्रॉकरी मिलती है, और बहुत सारी क्रॉकरी मिलती है, और आई कैन सी क्रॉकरी, आई विल ऑल्सो शो यू, दिस इज द रीजन आई एम हियर, आई विल ऑल्सो मेक यू मीट माई मम्मी। कहाँ गए मम्मी? ओ नाइस कारपेट मम्मी, ये पैरदान अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये उठाओ। कोलो कितने का है मम्मी? ढाई महीना हो गए। आई सारू लागे छे, आ आ बेबा बीजो। हाय, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्रॉकरी लेने।
हम लोग के फेवरेट है यहाँ क्रॉकरी। आज से नहीं, ये ब्लॉग नहीं बनाती थी, यूट्यूबर नहीं थी, उससे पहले से हम लोग क्रॉकरी लेते थे। हमने कभी भी एक्सपेंसिव क्रॉकरी नहीं खरीदी, हमेशा हमने बस यही स्ट्रीट साइड और बहुत मोल भाव करके खरीदी है। बार्गेनिंग क्वीन हमारे साथ है और बहुत अच्छी मिलती है यहाँ क्रॉकरी। यस यस, अभी तो हम यहाँ पे पैरदान ले रहे हैं, काफी अच्छे हैं ये ना, किलो के भाव से मिल रहे हैं। मेरी मम्मी बार्गेनिंग हर जगह कर सकती है, ये किलो वाला और इसने बड़े से लगा रखा है फिक्स्ड रेट, नो बार्गेनिंग। मेरी मम्मी ले, मैं आई हूँ बताती हूँ अभी आप लोगों को, हटाओ ये बोर्ड। ओके गाइस, बहुत सुंदर सुंदर वी हैव दिस बोर्ड्स, वी हैव ब्यूटीफुल जग्स, ब्यूटीफुल केटलीस, मम्मी डूइंग फ्रेंडशिप, मम्मी दोस्ती बढ़ाते हुए बार्गेनिंग करने के लिए। ये अमेजोन से मंगवाई है, यही सब है। अमेजोन वाले आपको अच्छे नहीं लगे? अमेजोन वाले एक्सपेंसिव बहुत है, अब हमें बोलना नहीं। ये अमेजोन वालों के साथ बार्गेन नहीं कर पाए थे मम्मी हम एक्चुअली। हाँ पर एक्चुअली अच्छे है मम्मी, प्लांटर्स भी बहुत सुंदर सुंदर है। वो देख वो कैक्टस वाले कितने सुंदर लग रहे हैं। आई जा चल मम्मी, बद्दू उचकी लई है मम्मी, सब सब उठा लेते हैं मम्मी। जहाँ आपको टांगने, भारी बहुत है मम्मी। ये जार भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्या बोलती हूँ मम्मी, पर एयर टाइट नहीं है। नहीं, क्या हो जाएगा मम्मी, आपकी हर चीजों में हवा लग जाएगी, एयर टाइट डब्बे नहीं है वो। है मम्मी केटल, वो लॉक वाली है, ये लॉक वाली केटल है, पर केटल के कप है, खाली केटल है। कन्विंसिंग मम्मी टू गेट दिस कटोरी। मम्मी ये वाली है, देखो एक ही सेट लूंगी, सेट नहीं है ये सिंगल होगी। कॉफी का वो अच्छा तो लगेगा कि कोई और कलर लो, अच्छा लगेगा मैम, इसके अंदर ग्रीन आएगा ना। ये एक कप वेरी नाइस, चलो बस एक ही, नहीं 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 एक ही ले लेना, टू कप वेरी नाइस, चलो बस थ्री कप वेरी नाइस। कॉफी बहुत अच्छे लग रहे हैं गाइस, मम्मी कह रही तीन लेने के लिए, तीन नहीं लेंगे चार लेंगे। भैया एक काम कीजिए, ये नीले की जगह मम्मी एक बहुत अच्छी चीज दिखाती है, देखो ये ग्रीन के साथ अच्छे से जा रही है, ये देखो ये देखो, इसमें इसमें मम्मी कुकीज रख लो, इसमें मम्मी चिप्स रख लो और उसमें चाय रख लो। वो लाइट कलर है, ये डार्क कलर है, नहीं लाइट भी है।